स्वागत है आपका मेरी और कुछ नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि जब आप हिली एरिया पे या किसी चढ़ान पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हो तो उस समय पे आप अपनी गाड़ी के क्लच ब्रेक और एक्सलेटर के कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करें ताकि आपकी गाड़ी इजिली आप उसको चला सको और आपकी गाड़ी जरा भी रिवर्स ना आए। तो ये कॉम्बिनेशन जानना एक ड्राइव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा एक्सेलरेटर आ गया, ये मेरा ब्रेक आ गया और ये मेरा क्लच आ गया। ये मेरी ए बी सी आ गई, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर ड्राइव कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर एक हिली एरिया में आप इस कॉम्बिनेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मेरी गाड़ी एक हिली एरिया पे खड़ी है और हमने यहाँ पे पार्किंग गाड़ी की लगाई हुई है। अब जानते हैं कि आखिर जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करोगे तो कैसे उसको प्रॉपर वे में वहां से ड्राइव करें ताकि आपकी गाड़ी बैक ना आए और आपका एक ड्राइविंग पे अपनी कॉन्फिडेंस उस कॉम्बिनेशन को यूज करके बरकरार रहे। तो चलिए अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है और अभी हमने क्लच प्रेस किया हुआ है और यहाँ से मेरी पार्किंग एंगेज है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले क्या करूँगा, अपने ब्रेक को प्रेस करूँगा और यहाँ से पार्किंग को डिसंगेज कर दूंगा और यहाँ से अपना फर्स्ट गियर जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमने फर्स्टली करना क्या है, हल्का हल्का सा यहाँ से सबसे पहले क्लच को हल्का हल्का सा रिलीज करना है। जैसे ही आपको लगे कि गाड़ी पे लोड आना लग गया है, आप अपना हल्का सा पाँव ब्रेक से हटाना शुरू कर दीजिए और हल्का सा उस समय पे एक्सेलेटर आप जैसे दोगे तो इजिली आपकी गाड़ी वहां पे आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह पे आपको कोई भी इशू पहाड़ी एरिया में नहीं आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का आप यूज करके अपनी गाड़ी को इजिली पहाड़ी एरिया पे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही कि आखिर आप एक हिली एरिया में कैसे क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर का कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए ताकि आपकी गाड़ी जरा भी रिवर्स ना आए और आप इजीली अपनी गाड़ी को फॉरवर्ड में चला सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।